फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परमेश्वरी होम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत अच्छा सा सैंडविच बना के दिखाऊंगी। बनाने के लिए मैंने ब्रेड लिया है, जलजीरा लिया है, कट करे हुए टोमेटो लिए है, और थोड़ी सी मिर्ची ली है, नमक लिया है, और खीरा ककड़ी लिया और केचप लिया है। चलो आइए फ्रेंड्स, अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और आगे से आगे शेयर करिए। चलो सबसे पहले हम दो ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर हम केचप लगाएंगे। मैंने अपने जैसे छोटे छोटे केचप के पैकेट लिए, आप चाहो तो बड़े भी ले सकते हो। इसको हम पूरी ब्रेड पे लगाएंगे, इससे सैंडविच बहुत अच्छा बन जाएगा। मैंने आप पर पूरी ब्रेड पर केचप लगा दिया है, आपको भी ऐसे ही लगाना है। अब हम इसके ऊपर कट किए हुए टमाटर के, अब हम इसके ऊपर कट किए हुए खीरा ककड़ी भी लगा देंगे। इसके ऊपर जलजीरा डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर मेयोनीज लगा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम इसके ऊपर क्रश की हुई चीज डाल देंगे। अब हम दूसरी ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर बटर लगाएंगे। अब हम बाकी वाले बटर के ऊपर, बाकी वाले सैंडविच के ऊपर ये लगा देंगे। अब हम इस सैंडविच को टोस्टर में डाल के पका देंगे। बहुत जल्दी हमारा टेस्टी टेस्टी सैंडविच बनने वाला है, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो आइए अब हम इन सैंडविच को सैंडविच मेकर में डाल देंगे। दो मिनट में हमारा सैंडविच पकने वाला है। आज तो सैंडविच खाने में बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये सैंडविच मैंने खुद से बनाया है। थैंक यू परमेश्वरी आंटी, आपने मेरे को सैंडविच बनाना सिखाया। फ्रेंड्स, आप भी बनाकर ट्राई करना, आपका सैंडविच भी बहुत टेस्टी बनेगा। अब हमारा सैंडविच बनके तैयार हो गया है। इसको कट कर देंगे।
अब हम इस सैंडविच को प्लेट एक प्लेट में डाल देंगे। अब मैं अपना सैंडविच आपको टेस्ट करके बताऊंगी ये कैसा बना है। बहुत यम्मी बना है। अगर आपको भी ऐसा सैंडविच बनाना है तो मेरे जैसे ट्राई करके जरूर देखना। और जो भी है मैंने और जो भी है 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 और ज